हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2324 के लेक्चर फाइव में जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में तो दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ तो इसमें हम टूरिज्म सेक्टर को ही बेसिकली डिस्कस करेंगे सो तो आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ के लिए और इसका हिमाचल प्रदेश की जी में अच्छा खासा योगदान है दोस्तों एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड होटल्स हैं जिसमें कि वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी टू रजिस्टर्ड बेड कैपेसिटी है बेड कैपेसिटी है और इसके अलावा यहाँ पर थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी होम स्टे हैं यूनिट्स हैं यहाँ पर और उसकी बैट कैपेसिटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स है इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर तो है ही लेकिन अगर बात की जाए जो डाटा जो रिलीज़ किया है जो स्टैट्स जो रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल जो है वो टॉप टेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं आता है फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर फॉरन अराइवल्स आगे चलते हैं होटल और जो रेस्टोरेंट सेक्टर है दोस्तों वो कंट्रीब्यूट करता है पॉइंट एट फाइव परसेंट टू द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ग्रोथ ऑफ नाइन परसेंट ओवर लास्ट ईयरस ग्रोथ ऑफ सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट एंड टूरिज्म सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेवन परसेंट ऑफ हिमाचल जी डी पी एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड फोर्टीन पॉइंट फोर टू सात परसेंट जी डी पी और फोर्टीन पॉइंट फोर टू एम्प्लॉयमेंट में मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में चौदह पॉइंट चार दो परसेंट जो है वो टूरिज्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है आगे चलते हैं स्कीम के बारे में जो कि है इंटरेस्ट सबेंशन स्कीम सवेंशन स्कीम्स क्या होती हैं दोस्तों जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वेरियस यूनिट्स का वेरियस संस्थाओं का जो है वो उसमें उसको सपोर्ट करता है पैसे की मदद करता है ताकि उनका अपलिफमेंट हो पाए तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द इंटरेस्ट सबेंशन स्कीम ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर द हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री ऑन सेकेंड जुलाई ट्वेंटी टू सपोर्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्टेड ड्यू टू कोविड

उनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से था वेरियस यूनिट्स को आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिवैम्प्ड इट्स स्वदेश दर्शन स्कीम एज उसे रिवैम्प्ड किया गया है एज स्वदेश दर्शन 2.0 जिसका मकसद है सस्टेनेबल टूरिज़्म को डेवलप करना कंट्री के अंदर और जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए उसमें जो साइट जो है सेलेक्ट हुआ है इसमें वेरियस साइट्स को डेवलप करना है तो उसमें हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम जो है वो सलेक्ट हुआ है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एज वी नो दैट कि जो भी ये विकास और अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर में जो भी विकास होगा उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ये सब फैक्टर्स एयरपोर्ट इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में तीन एयरपोर्ट्स हैं शिमला में जुबलहट्टी क्षेत्र में है और कुल्लू में जहाँ पर है उसे भुंतर जगह पर है और कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट है तो और एक ग्रीन एयरपोर्ट एट नागचला मंडी इज ऑल्सो प्रपोज फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड मीन्स अ टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट इज बिंग स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच जिसे आप स्क्रैच से शुरू करते हो कुछ भी काम वहाँ पर नहीं हो नेसेसरी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल ना हो उस चीज को डेवलप करने के लिए सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट सो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट इज एंड नागचलापोजे बात करते हैं फाइव न्यू हेलीपोर्ट्स जो कि डेवलप किए जा चुके हैं वेरियस जगहों पर हिमाचल प्रदेश में पांच जगहों पर मंडी में कांगड़ा कांगड़ी धार में कांगड़ी धार जो है मंडी टाउन के पास है और डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एस एस मनाली और जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है बद्दी में एक जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और दो जो है शिमला में किए गए हैं डेवलप जो कि एक संजौली में और एक रामपुर में और ये बेसिकली डेवलप किए गए हैं टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर द of the state under regional connectivity scheme under the same scheme that is regional connectivity scheme RCS udan 2 and that is the scheme of government of India आगे चलते हैं दोस्तों uh, पर्यटन विकास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये जो scheme है uh, has introduced government has introduced a new fund for the development of tourism in the state called पर्यटन विकास विद बजट ऑफ थ्री नाइन एट पॉइंट में जो है करोड़ का जो है वो है वो बजट प्रोविजन और इस स्कीम के अंदर डिपार्टमेंट का मकसद है कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना सो so, डेवलप करना एज अ टूरिज्म कैपिटल सो दैट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टूरिज्म कैपिटल के तौर पर कांगड़ा को विकसित किया जाएगा और वहाँ पर एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टूरिज्म टूरिस्ट विलेज टूरिस्ट विलेज एट नगरोटा दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑल्सो और डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग रिंग एट डिस्ट्रिक्ट शिमला मनाली एंड धर्मशाला इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी सेक्टर की बात करते हैं सो टूरिज्म टूरिस्ट अराइवल इज वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स ऑफ द डिमांड फॉर द टूरिज्म इन द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बट आफ्टर कोविड नाइन्टीन आपको पता है कि कोविड नाइन्टीन के समय काफी लॉसेज हुए टूरिज्म uh, सेक्टर को सो आफ्टर कोविड नाइन्टीन पैनेडेमिक टूरिस्ट

एच पी टी डी सी के बारे में हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तो इस संस्था का जो मकसद है बेसिकली ये है हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट और इसे फॉर्म किया गया था इट वाज फॉर्मड इन 1972 इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ टूरिज्म सर्विसेज इंक्लूडिंग एकोमोडेशन केटरिंग ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैविंग द लार्जेस्ट चेन ऑफ फाइनेस्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इन द स्टेट विद फिफ्टी सिक्स होटल नाइन रूम कपेसिटी रूम विद टू थाउजेंड फोर हंड्रेडी फाइव बेड्स एंड एज द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट वॉज लुकिंग टू बाउंस बैक फ्रॉम पेनांडेमिक लेकिन उसके बाद आपने देखा है वी रेनफॉल हुए जुलाई अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर दो हजार तेईस में सो उससे भी हिमाचल प्रदेश को काफी डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ है बट दैट एच पी टी डी सी इज ऑल्सो दीज लॉसिज

दैट इज सेवेंटी वन पॉइंट फोर वन करोड़ का सो दीज आर points पॉइंट रिलेटेड टू द टूरिज्म सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सो इसमें जो नई चीज़ें जो बनने जा रही हैं जैसे कि टूरिस्ट विलेज की बात की जाए टूरिस्ट कैपिटल क्या, की बात की जाए तो कांगड़ा में वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है उसको टूरिज्म कैपिटल डेवलप किया जा रहा, रहा, रहा है पांच नए हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं तीन यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं पोंग डैम में जो है उसको एज अ सेलेक्टेड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर द स्कीम स्वदेश दर्शन टू और सात परसेंट का जो योगदान है जीडीपी में जिसमें कि चौदह पॉइंट चार दो परसेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है टूरिज्म सेक्टर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात की जो टॉप टेन डेस्टिनेशनस है भारत की उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आता है और चार हजार छः सौ दस होटल्स हैं दोस्तों एंड ये उसमें बेड कैपेसिटी है सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि आने वाले पेपर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं विद दैट थैंक यू वेरी मच